नमस्कार दोस्तों, रचना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, जो है मल्टीग्रेन पालक मुठिया। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लेट में मैंने सभी तरह के यहाँ पे आटा लिया है और साथ ही में मैंने पालक भी लिया है। इसे कैसे बनाना वो मैं बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन कौन से आटे लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, नॉर्मल रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा बड़ा आटा है। साथ ही में मैंने लिया है बेसन, चने का आटा, मक्की का आटा, फिर ये है बाजरे का आटा, ज्वार का आटा और ये चावल का आटा। ये सभी मल्टीग्रेन आटे को मैंने यहाँ पे एक एक चम्मच लिया है। गेहूं का आटा मैंने 2 चम्मच लिया है, बाकी सभी मैंने यहाँ पे एक एक चम्मच लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना हेल्दी रेसिपी मल्टीग्रेन पालक मुठिया। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पालक। यहाँ आप देख रहे हैं एकदम बारीक कटी हुई धुली हुई पालक ली है मैंने। पालक को मैंने अच्छे से काट के धो लिया है और अब मैं इसमें ये मैंने करीब 50 ग्राम के करीब पालक ली। आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं कम ज़्यादा, और आप चाहे तो इसमें मेथी भी मिक्स कर सकते हैं। मैं सिर्फ पालक का ही बना रही हूँ। अब मैं इसमें सारे जो हमारे आटा है वो सारा इसमें मिक्स कर दूँगी। तो इसमें पानी नहीं डालना है, आप कोशिश करें कि जितना कम पानी डालें उतने अच्छे बनेंगे ये। अदरक मिर्ची का पेस्ट। अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ हींग, सॉल्ट। दोस्तों, इसे आप हांडवा और जो ढोकले का आटा है उससे भी बना सकते हैं, उससे भी काफी अच्छे बनते हैं, बट मुझे थोड़ा सा हेल्दी बनाना था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सभी आटे मिक्स किए। ये भी बहुत टेस्टी लगता है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब शुगर, या ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। इसको आप हाथ से मिलाइए ताकि पालक का जो है पूरे वो बारीक कटा हुआ वो आटा अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। इस तरीके से आप पूरा इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, क्योंकि ऐसे पालक की सब्जी और ये सभी आटे की रोटी खाना बच्चे पसंद नहीं करते, और इस तरीके से आप थोड़ा इसको टेस्टी बना के बनाएंगे तो आई एम श्योर कि बच्चों को अच्छा लगेगा ये। देखिए, इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दोस्तों, दही डालने से ये एकदम सॉफ्ट बनते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने करीब ये 3 चम्मच के करीब दही डाला है और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस, वो भी आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग है। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब नींबू का रस डाला है। अब इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लीजिए। अगर लास्ट में हमें लगता है पानी डालने की आवश्यकता लगती है तो हम इसमें डालेंगे। पहले इसको हाथों से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि हम जितना इसे अच्छे हाथों से मिलाएंगे पालक का भी पानी छूटेगा तो वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये तैयार है पूरा। अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब ऑयल डालूंगी। दोस्तों, साथ ही में मैंने स्टीमर भी रख दिया है गर्म होने के लिए, उसी में बनाएंगे हम लोग इसे। ये देखिए, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा
पानी जिससे वो अच्छे से सब में मिक्स हो जाए। इस तरह से आप अच्छे से इसे मिला लीजिए। और उधर हमारा स्टीमर भी तैयार हो गया, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये स्टीमर रख दिया था और इसमें साथ ही मैंने प्लेट भी रख दी थी जब तक हम ये पूरा तैयार कर रहे थे आटा इसका, और मैंने इसे ग्रीस करके रखा है यहाँ पे। अभी अच्छी गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें ये पूरा डाल देती हूँ अच्छे से। जो ट्रेडिशनली मुठिया बनाते हैं वो हाथ से बनाए जाते हैं और उन्हें भी स्टीम किया जाता है, लेकिन ये मैं अलग तरीके से चम्मच से आप पूरा इसे फैला दीजिए इसे। और इसे एकदम मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसे आप इस तरीके से ढक के रख दीजिए। देखिए दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये मैं इसमें नाइफ डाल के देख रही हूँ, देखिए बिल्कुल भी इसमें ये चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा अच्छे से बन चुका है। अब मैं ये अपना गैस बंद कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों ये ठंडा हो चुका है, इसे आप 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखें। पहले मेरा ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे इस तरीके से कट कर रही हूँ। दोस्तों अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, आप इसे ऑयल में नहीं खाना चाहते हैं, तो आप बस इसे ऐसे ही, बॉइल हो चुका है ये पूरा अच्छे से, ऐसे ही आप इसे खा सकते हैं चटनी के साथ। लेकिन मैं इसमें एक बघार लगा रही हूँ, वो आप देखिए कैसे लगाना। ये देखिए हमारे पूरे पीस निकल चुके हैं और ये आप देख रहे हैं कितने सॉफ्ट बने एकदम। तो मैंने ये देखिए दोस्तों, मैंने फ्राई पैन में 1 चम्मच के करीब तेल डाला है। आपको अगर थोड़ा ज्यादा तेल चाहिए तो आप डाल सकते हैं। और मैं इसे अच्छे से पूरे पैन में फैला रही हूँ और इसे थोड़ा गर्म होने दीजिए ऑयल को। ये देखिए हमारा ये ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ राई। ये मैंने 1 चम्मच के करीब राई डाली है और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये से मिक्स कर दीजिए। और मैं इसे थोड़ा क्रिस्पी खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा क्रिस्पी कर रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे 5-7 मिनट के लिए थोड़ा रखूंगी ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। ये मैं आपको एक निशान से दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल एकदम ये क्रिस्पी हो चुका है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आपको क्रिस्पी पसंद नहीं है तो आप बस ऐसे ही ऊपर से ऑयल डाल के बघार करके, और बिना बघार के भी, बिना ऑयल के भी आप इसे खा सकते हैं, उतनी टेस्टी लगेंगे। दोस्तों इसे आप ब्रेकफास्ट में और डिनर में दोनों में बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीग्रेन हमने आटा लिया है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है आपके लिए पालक के मुठिया। दोस्तों इसे मैंने ऊपर से
ड्राई कोकोनट डाला है और हरी मिर्च और हरा धनिया से इसे डेकोरेट किया है। आप इसे ग्रीन चटनी और मीठी चटनी, टमाटो सॉस सभी के साथ आप इसे खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।